पानी पी उठी कुछ मैं तो आ गई नन्ही मैं बस कुछ कहां से पी से ना तदा चल गई पीली पानी में मैं ठीक हां बस तो दर्द ना की कर में ना अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल और करम से हम भी ठीक हैं। जो मेरे बहन भाई दुख और तकलीफ में हैं तो अल्लाह ताला उनकी दुख और तकलीफ को जो है दूर करे, इसी नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी टाइम जो है 7:50 हो रहे हैं सुबह सुबह के, तो यकीन माने ऐसा लग रहा है कि अभी से ही बाहर नहीं निकला जा रहा, क्योंकि गर्मी जो है इतनी शिद्दत से बढ़ रही है, दिन को तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला जा सकता। तो अभी मैं आया हुआ हूँ बाहर, हमारे घर के बाहर, तो मैंने कहा थोड़ा सा बाहर वॉक कर लेते हैं, क्योंकि वॉक तो लोग सुबह सुबह ही करते हैं, लेकिन मुझे जो है अभी टाइम मिला है, क्योंकि सुबह सुबह मैंने जानवरों का चारा ही काटना होता है और उन्हें डालना भी होता है, पानी भी पिलाना होता है, क्योंकि गर्मी होती है ना, फिर जानवर जल्दी जल्दी चारा खा के फिर उनको जो है अंदर बांध दिया जाता है। तो आज मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे कि मैंने वॉच पहनी हुई है, तो ये वॉच मुझे किसी ने गिफ्ट की थी, काफ़ी दिन से घर में पड़ी हुई थी, जब मैं सुबह पेटी खोली तो उसमें पड़ी हुई थी, मैंने कहा आज उठा के पहन लेता हूँ। तो व्यूअर्स पता नहीं हम लोगों के ईमान जो है वो कहाँ जा रहे हैं, हम लोग सच्चाई पे क्यों पर्दे डाल रहे हैं, सच्चाई पे पर्दे डाल रहे हैं, ठीक है ना, झूठ को आगे कर रहे हैं और सच्चाई को पीछे कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो है ना मुझे थोड़ी सी यहाँ पे तकलीफ होती है, पता नहीं हार्ट किस तरफ है, लेफ्ट या राइट ये भी मुझे पता नहीं है, लेकिन इस टाइम मुझे पता लग रहा है कि हार्ट इस तरफ है, तो यहाँ पे तकलीफ होती है ना। किता करो ये समय कमेंट, ठीक है ना, प्यार इखलाक रखो और अपनी वाहिद जात है जेड़ी इतने मुसलमाना दे ऐबों ते पर्दा रखी खड़ी है, उन्हें आज तक नहीं जताया कि ये इंसान ही में है, ये ही में विवाद गार पते क्या है। एक दोस्त होंगे ना, वो अपने दोस्त को बन के अपने दिल का हाल देते, दुख होंगी तकलीफ होंगी है वो देंगे, ताकि मेरा जेड़ा है ना दुख थोड़ा कम थी वे, लेकिन ये नहीं कि अगले दोस्त को भी चाहिए कि उन्हें दुख को कम करने की बजाय उन्हें दुख को बढ़ावे ना। इन गल बात हाँ कि कहें को दुख देवन तो बजाय उनकी मन के वो थोड़ा जो उन्होंने हौसला अफजाई की करो, ताकि तेरे दोस्त को जेड़ा है ना हौसला अफजाई मिले और उनकी तकलीफ कम थी। परसों से ही, क्योंकि कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, परसों से ही बेगम का ब्लड प्रेशर जो है वो काफ़ी डाउन हो गया था, तो कल जो है मैं हॉस्पिटल नहीं जा सका, क्योंकि मेरे पास बाइक थी नहीं, पुराने वाली ख़राब थी, तो इस वजह से जो है मैं हॉस्पिटल नहीं जा सका। तो अभी जो देखें कि गर्मी की शिद्दत की वजह से ना मुझे पसीना भी आ रहा है और साथ में मुझे बात करने में तकलीफ़ भी हो रही है, क्योंकि हवा जो है ना वो कभी कभी बिल्कुल कम हो जाती है और कभी कभी जो है बिल्कुल ज़्यादा हो जाते, जब कम होती है ना तो थोड़ा सा ऑक्सीजन का मसला बनता है, तो इसी वजह से। तो अभी चलते हैं घर की तरफ, तो बेगम की कुछ मेडिसिन मैं लेके आया हूँ वो भी उनको देते हैं। मैंने बेगम को बहुत समझाया है कि ऐसी वैसी बातें जो वो ख़ास तौर पर बस्ती वाले करते हैं उनकी बातों में ना आया करें, तो इसमें आपको भी तकलीफ़ होती है मुझे भी तकलीफ़ होती है, लोगों का क्या है, लोगों लोग तो ऐसे बातें करते रहते हैं, छोड़ दें, हम किसी के मुंह पे जो है ना वो क्या कहते हैं हाथ नहीं दे सकते, तो इसी वजह से जो है ना विवाह। जो पिछली रात आंधी और साथ में हल्की हल्की बारिश आई है ना, तो पहले भी आंधी की वजह से मेरी तूड़ी सारी ख़त्म हो गई थी, अब भी देखें ये काफ़ी सारी ख़त्म हो गई, और मेरे जो गरीड़े का हाल है वो देखें ये सब टूट चुका है। तो अभी यहाँ पे मैंने न्यू बनाना है, ये देखें यहाँ से सारा टूट चुका है, और ये देखें तो गर्मी है ना, कोई काम करने को दिल ही नहीं करता, यकीन माने कोई काम करने को भी दिल नहीं करता। क्या कर रही हो, खेल रही हो,
तो जब हम छोटे हुआ करते थे ना, तो जब सुबह सुबह पढ़ने का स्कूल जाने का टाइम होता था तो हम अपनी अम्मी से ऐसे वैसे में झूठ बोल दिया करते थे कि अम्मी आज हमारे पेट में दर्द है। तो वो माँ है, समझ जाती थी कि मेरे बेटे को क्या है और क्या नहीं है। तो माँ ही अपने बेटों के ऐबों पे पर्दा डाल सकती है, या हमारे सुने रब की ज़ात है जो अपने उम्मत मुसलमान के ऐबों पे पर्दा रखा हुआ है, वरना हम किस बाग की मूली हैं। आजकल दौर बहुत ख़राब चल रहा है, जब से ये 2017 से लेके 2023 तक ये ड्रामे आए हैं ना, लोगों का जहन जो है वो ड्रामे वाला ही हो गया है। और सिर्फ अगर उनको बेगम कह देना कि चलें जी आज हमने दवाई लेनी है, तो वो कहेंगे नहीं ये तो ड्रामा कर रही, नहीं ये तो ड्रामा कर रही हैं। तो जहन जो ड्रामों की तरफ हुआ ना, तो यही कहेंगे। तो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बस यही काम है और ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम बहन भाई। माशाल्लाह अम्मी सुबह सुबह ही नाश्ता तैयार कर रही है, क्योंकि बेगम जो है वो अंदर सो रही है, उनका ब्लड प्रेशर कल से काफ़ी डाउन है, तो अभी उनको मेडिसिन भी देनी है। तो अम्मी तंदूर पे जो है रोटियां लगा रही है। माशाल्लाह देखें व्यूअर्स, बहुत ही मज़े की रोटी बनती है तंदूर की, ख़ास तौर पे। वो गिर गई है अम्मी, आज तंदूर में आग ज़्यादा डाली है अम्मी ने, क्योंकि रोटियां काफ़ी लगानी होती है। दोपहर को भी बच्चे खाते हैं और सुबह का नाश्ता भी करते हैं। वो रोटी बधावन का तरीका है जेड़ा ना, वो सिर्फ बुजुर्गों को ही पता है। अजकल दे जेड़े लैन ना बड़िया औखियां रोटियां पका सकते हैं। तो मेरी अम्मी है जेड़ी VIP रोटियां लेंदी है, यकीन मनो के बस जिस टाइम रोटी देखो किवें मज़े की बड़ी पई है, देखो ना। हालांकि पहली दूजी रोटी है थोड़ा जहा सेक जड़ा है वो ज़्यादा है ना, ही वजह नाल थोड़ी रोटी दी वो करेंदी पई है तंग, लेकिन जिस टाइम त्रै चार रोटियां तंदूर च लहिया सन ना, हल मज़े दिया रोटियां ला सन। माशाल्लाह माशाल्लाह। तैयारी करके आ गया तू भेजी ने, चलो गोला कहीं कुछ खा दो सही अम्मी। जो भी इसे बात करे ना ये दिल पे ले लेती है। अब अल्लाह जानता है बस्ती वालों ने कुछ कहा या नहीं कहा, बस दो दिन से लगातार इसका देखे अभी इसका इतना ब्लड प्रेशर लो गया है। अब कल से मैं इसे कह रहा हूँ चले मैं आपकी दवाई ले आता हूँ, चले मैं आपकी दवाई ले आता हूँ, लेकिन ये मानती नहीं, ये कहती मैं मरती मर जाऊंगी। अब मैं इसका क्या करूँ आप बताएं, बच्चे अलहदा परेशान। उठो बेगम मेरी माँ, चलो कुछ चलो अम्मी ने अब सारा काम कर दिया, अम्मी भी अब तैयार हो चुकी है। चलो चलो गोला गोला खाओ, चलो पानी का पी, और मेरे आके ना मनेगी।
चले ये मेडिसिन आप खा लें ठीक है ना, मैं बाकी जो है इंशाल्लाह चले जब आपका दिल करेगा आपको ले जाऊंगा हॉस्पिटल। तो बस आप कहते हैं कुछ नहीं है, मुझे पता है कि मुझे क्या है, आपको क्या पता, मुझे बुखार है, मैं क्या होता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ ना चल के आपकी दवाई ले आता हूँ, मैं कह रहा हूँ ना बुखार के साथ मैं खाना कैसे खाऊं, आप कहते हैं कि कुछ ना। आप क्या खाओगे हुक्म करो, नहीं करता फ्रूट आपको ला के दिए हैं, सबको ला के दिए फिर भी आप ना दवाई लेने जाते हो ना कुछ खाते हो ना पीते हो। आग लगाई हुई है इसी मेडिसिन को, अब जाके चेकअप करवाएंगे तब जाके तबीयत ठीक होगी। पानी दे इसे। वो भी पैना डाल पी दो, पैना डाल। सीरियस रह रह के देखें ये कितनी कमजोर होती जा रही है मजाक से। मानती जो किसी के नहीं है पोत्र तू चुप करके मैं उठी जोड़ी मैंने कहा है कि इसका जाके कोई अच्छे से डॉक्टर से ना इसका ट्रीटमेंट अच्छे रिपोर्ट कराते हैं कर गई है मेरा दिमाग नहीं काम करता। ये देखें ये मैं लेके आया हूँ इनके लिए दिमाग है रोगन, लेकिन क्या बस एक चम्मच पिया है बस जी अब नहीं पीऊंगी मैं। देखो